ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार, आदाब, शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अभी संतूर के तारों पर उंगलियों के रक्स का जो आपने आनंद लिया, तो ऐसे फनकार के लिए मैं ये शेर नज़र ज़रूर करना चाहूँगी। सारा आलम गोशबर आवाज़ है, आज किन हाथों में दिल का साज है। हम नशी दिल की हकीकत क्या कहूँ, सोज में डूबा हुआ एक साज है। शख्सियत में आज मुलाकात सूफियाना घराने की पहली महिला संतूर कलाकार डॉक्टर वर्षा अग्रवाल हैं हमारी आज की मेहमान। संतूर की तारों पर बिजली की गति से चलती कलम, सूफियाना घराने की दमक, जिसमें राग रागनियों की स्वर लहरियां सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर जाती है। और ऐसे ही फन में माहिर डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, ২৯ जनवरी 1967 को राजस्थान में मौजूद झालावाड़ में पुष्पा अग्रवाल और श्री देवेंद्र कुमार अग्रवाल के घर आपने जन्म लिया। संगीत वर्षा को विरासत में नहीं मिला, लेकिन अथक मेहनत और लगन ने उन्हें दिलाया अहम मकाम। छह साल की उम्र में गायकी और तबले की तालीम श्री इलाही बख्श जी और श्री गिरधारी लाल जी डांगे की देखरेख में शुरू हुई, और इसी के साथ उन्हें पंडित ललित महंत जी से भी मार्गदर्शन मिलता रहा। तालीम के दौरान उनकी खुश नसीबी रही कि उन्हें मौका मिला सेंट ऑफ संतूर श्री भजन सोपोरी जी की शागिर्दी में आने का, और खुश नसीबी रही कि आप पंडित भजन सोपोरी की गंडाबंद शागिर्दा बनी, और यहीं से उनके हुनर ने लिया एक नया मोड़। बेपनाह रियाज और सूफियाना घराने की आला बंदिशों का सहर रच गया नया इतिहास। देश विदेश में उनकी प्रस्तुतियों को बेपनाह सराहा गया। और इसी दौरान उनके एक से बढ़कर एक एल्बम्स उनकी क्रिएटिविटी और साधना की मिसाल पेश कर जाते हैं। उनकी संगीत के प्रति लगन और साधना को देखते हुए उन्हें बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। आज की तारीख में वो संगीत साधना के साथ साथ युवाओं में संगीत का प्रचार प्रसार कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत वर्षा जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत आपके अपने बचपन से आपके माता पिता से करना चाहूँगी। सुना दादा आपके बहुत बड़े सर्जन रहे और चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े रहे, पिता भी इसी क्षेत्र से आते हैं। कुछ अपने माँ बाबा का जिक्र और कुछ अपने बचपन का जिक्र, और राजस्थान से आप आती हैं तो अपने इलाके के बारे में बताइए कुछ। जी ज़रूर समीना जी, मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े चिकित्सक थे, उनका बड़ा नाम था, और उनकी म्यूजिशियन बनने की इच्छा का निरूपण उन्होंने मुझ पर किया। अच्छा। वो कलाकार नहीं बन पाए, पर वो बहुत अच्छे श्रोता थे। उनके दिल में इच्छा थी कि मैं कलाकार बनूं या अपने आने वाली जनरेशन में किसी को कलाकार बनाऊं। जब मैं बहुत छोटी सी थी तो उन्होंने मुझे म्यूजिक सुनवाते थे वो जगह जगह, वहाँ आर्टिस्ट बहुत आते थे, क्योंकि झालावाड़ स्टेट एक ऐसी स्टेट थी कि जहाँ पर गुनीजन खाना होता था।
वहाँ जो म्यूजिशियंस आते थे वो मेरे दादा क्योंकि चिकित्सक थे तो जरा सी बीमारी या कुछ होती थी तो वो लोग हमारे यहाँ ही आते थे। अच्छा। तो आते ही सबसे पहले बोलते थे कि भाई मेरी ये पोती है, इसको कुछ गाना बजाना सुनाओ। अच्छा। मैं बहुत ही छोटी होंगी, मुझे लगता है 4-5 साल की, ऐसे मेरा म्यूज़िक का सफ़र शुरू हुआ। ऐसे मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों का बहुत भरपूर सहयोग रहा, क्योंकि उस बिना सहयोग के तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती थी। मैं तो बहुत छोटी बच्ची थी लेकिन मेरी जिद थी कि संगीत सीखना है। और पढ़ाई लिखाई 11th तक राजस्थान से ही पढ़ाई की, और उसके बाद में मध्य प्रदेश में मैंने अपना ग्रेजुएशन पीजी और पीएचडी किया। क्या बात है। और वो म्यूज़िक में ही रहा? जी, वो भी म्यूज़िक में रहा। मुझे ये बताइए वर्षा जी कि किन खास गुरुओं का आप आज जिक्र करना चाहेंगी जिनका आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रहा है? मेरी ज़िंदगी में 4 गुरु आए हैं। नंबर 1 पर मेरे गुरु स्वर्गीय इलाही बख्श जी हैं, जिन्होंने मुझे सारे गमा सिखाया। वो राजस्थान के ही थे? वो झालावाड़ से थे। नंबर 2 मेरे जो गुरु हैं वो स्वर्गीय गिरधारी लाल जी डांगी साहब हैं, उन्होंने मुझे तबले पे हाथ रखवाया। अच्छा। और तबला सिखाया। मेरे 3रे गुरु हैं पंडित ललित महन साहब, जिनसे मेरा संतूर का सफ़र शुरू होता है। मैं बहुत छोटी सी थी और जब मैंने रेडियो पर सबसे पहली बार संतूर सुना था पंडित भजन सोपोरी साहब का, तो मैंने अपने दादा से कहा कि मुझे ये वाला म्यूज़िक सीखना है। अच्छा। तब मुझे ये पता नहीं था कि संतूर है कहाँ का, साज है कैसा है, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर बेटा सिखाएंगे, हम तलाशेंगे कि कौन आपको सिखा सकता है। चूँकि महन जी का भी ननिहाल झालावाड़ी है। अच्छा। तो हमारे बहुत पारिवारिक इनसे रिलेशंस हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने जब महन जी के फादर को कहा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम ज़रूर सिखाएंगे, मेरा बेटा संतूर जानता है, ज़रूर सिखाएंगे। ऐसे मेरा सफ़र मुझे मेरे मम्मी पापा उज्जैन लेकर आए और मेरी बहुत छोटी उम्र से संतूर की तालीम शुरू। आप कई अप्रचलित तालों में वादन करने का साहस करती हैं जो आपके घराने की खासियत भी है, तो कोई एक प्रस्तुति है हमारी ऑडियंस के लिए जो आपको बेहद पसंद है? मुझे धमार ताल बहुत पसंद है। ये जो धमार की गत है ये मेरे गुरु पंडित ललित महन जी की गत है। अच्छा। और इसमें उन्होंने बहुत सारी इस गत की रचना ऐसी की कि आपको लगेगा कि धमार की बिल्कुल चाल ढाल सब उसमें दिखी जाएगी। आपने अभी बताया कि आपने तबला भी सीखा, तो तबले में क्यों पीछे हट गई आप? जी, मुझे राजस्थान की पहली महिला तबला वादी का होने का भी खिताब है। अच्छा अच्छा। तबला भी मैं अच्छा बजाती थी लेकिन मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था और मुझे लग रहा था कि संतूर के क्षेत्र में तो कोई महिला है नहीं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो साज की जो आवाज़ थी उसने मेरे दिल में ऐसा असर किया कि मैंने कहा सीखना मुझे संतूरी। सूफियाना घराने से आप जुड़ती हैं जब आप पंडित भजन सोपोरी जी से जुड़ती हैं तो जी, और सूफियाना घराने की पहली महिला संतूर कलाकार होने का खिताब भी आपको मिलता है। ख़ासतौर से अगर आपके घराने की मैं बात करूं तो वाद्य शैली जो है उसका जिक्र आप ज़रूर करें। पंडित सोपोरी जी एक महान संतूर वादक तो हैं, बहुत ही पवित्र, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने और उनकी पत्नी दोनों ने मुझे पुत्रीवत स्नेह देकर बहुत कुछ सिखाया। आज मेरा जो सूफियाना घराने का सफ़र है और सोपोरी बाज जो मैं बजाती हूँ उसका श्रेय पंडित भजन सोपोरी साहब को जाता है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान के साथ बहुत अच्छे कंपोज़र हैं। उन्होंने मेरे में बहुत सारी चीज़ें सोपोरी बाज की संप्रेषित की। इस साज में तुम भी है, गमक है, चिकारी है, और गमक का मैं प्रयोग आपको इसमें करके बताऊँगी कि किस तरह से आपको लगेगा कि कोई मनुष्य गा रहा है। इस तरह का इनोवेशन संतूर में, आम संतूर में कहीं देखने को नहीं मिलता। ये उनकी सुपोरी बाज की बहुत बड़ी विशेषता है। आपकी ज़िंदगी में भी बेपनाह संघर्ष रहा, अगर उस संघर्ष का जिक्र आप मेरी ऑडियंस के साथ करें तो? इस ज़िंदगी में भी संतूर को लेकर बहुत संघर्ष हुआ क्योंकि एक तो झालावाड़ इतनी छोटी सी जगह थी, सांगीतिक रूप से भी झालावाड़ का बहुत महत्व है क्योंकि वहाँ पंडित भारत रत्न पंडित रविशंकर जी का बचपन वहीं बीता है, तो झालावाड़ का बड़ा नाम है।
वहाँ की इतनी छोटी जगह से मैं संतूर सीखने के लिए जब मुझे उज्जैन लाया गया तो मेरे गुरु ने कहा तुम्हें पहले गाना सीखना होगा, तबला सीखना होगा, क्योंकि संतूर सीखने के लिए आपको गाना, गायन और वादन दोनों का नॉलेज चाहिए। अच्छा, यदि गायन का नॉलेज नहीं है तो आप इसको मिला नहीं सकते, बहुत अच्छा सुर का नॉलेज नहीं है तो, और यदि ताल का नॉलेज नहीं है तो आप तबले के साथ इसको बहुत अच्छा खेल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा तुम्हें संतूर तो मैं शुरू करा ही रहा हूँ लेकिन साथ में गायन और वादन दोनों का नॉलेज तुम्हें होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरे गुरु पंडित ललित महन जी ने मुझे सिखाया, या यूँ कहूँ कि मेरी जिद ने उनको सिखाने के लिए मजबूर कर दिया। तो वर्षा जी, आपके जो सूफियाना घराने की जो ख़ास प्रस्तुति है वो मेरी ऑडियंस के लिए ज़रूर सुन। जी बिल्कुल, सूफियाना घराने की बंदिश मैं बजा रही हूँ जो ताल इकताल में है और मेरे गुरु पंडित भजन सोपुरी साहब ने मुझे सिखाया। वर्षा जी, संतूर चूँकि काफ़ी मुश्किल वाद्य है और एक तपस्या की तरह है, और एक महिला होने के नाते इसको चुनना और फिर अपने आप को मनवाना, वो दौर कैसा रहा? जब मैं संतूर बजा रही थी तो लोगों ने मुझे कहा आप अच्छा गाना गाती हैं, अच्छा तबला बजाती हैं, फिर संतूर की क्या ज़रूरत है, पहला प्रश्न तो यही था। दूसरा प्रश्न ये था कि मैं जहाँ जाती थी हर आदमी मुझसे कहते थे कि भाई आपने शादी नहीं करनी, आप संतूर ही बजाना है। तो ये भी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा संघर्ष का पक्ष था, क्योंकि मैं एक अग्रवाल जाति से हूँ तो वहाँ तो बहुत छोटी उम्र में ही शादी ब्याह हो जाते हैं। लेकिन ये सारी बाधाएं पार करते हुए रोज़ मैंने अपने जीवन में, जैसे खाना खाना ज़रूरी है, जैसे जीने के लिए जो भी करना हमें ज़रूरी है, उन सब में मैंने एक अहम पहलू बनाया संतूर को कि सुबह उठ के मुझे रियाज़ करनी है, इतना 2-3 घंटा बजाना है, उसके बाद अपनी नौकरी पर जाना है और उसके बाद आने के बाद भी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर संतूर का ही साथ मुझे चाहिए। वो मेरा जब से लेके आज तक का सफ़र निरंतर कायम है और ईश्वर ने ऐसा आशीर्वाद दिया और मेरे सारे गुरुओं का आशीर्वाद ऐसा रहा कि निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ में धीरे धीरे करके चढ़ी, क्योंकि मुझे म्यूज़िक विरासत से नहीं मिला था। आपके कुछ अपने हैं वर्षा जी जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है, मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें फिर अपनी राय ज़रूर दें। आइए देखते हैं। हेलो वर्षा, आदाब। वर्षा, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने जो मुकाम हासिल किया है, अल्लाह तुम्हें और उरूज पर पहुंचाए। संतूर वादक में तुम्हारा, तुम पहली महिला हो जिसने कि अपने नाम को और अपने जन्म स्थान को गौरवान्वित किया है। जीवन का वो स्मरण याद है कि जब तुम काफ़ी छोटी थी और तुमने अपना पहला प्रोग्राम झालावाड़ के रविंग मंच पर दिया था, जिसमें आपके दादा ने आपके साथ तबले पर संगति की थी। वो प्रोग्राम मैं, मेरे मित्र कलेक्टर मिस्टर उमराव सलोदिया ही मौजूद थे। उसी समय उन्होंने कहा था कि ये बच्ची बहुत उन्नति करेगी और संगीत के अंदर काफ़ी उन्नति करेगी। मेरी तमाम दुआएं आपके साथ में हैं, अल्लाह आपको उरूज पर पहुंचाए और आपको वो मुकाम अता फरमाए जो मुकाम की पंडित रविशंकर जी ने हासिल किया है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे बहुत से शिष्य मिले, मगर वर्षा ने अपने अनथक प्रयत्न से, अपनी अनेकों घंटों की साधना, अनेकों वर्षों से की गई साधना से जो चीज़ आज प्राप्त की है संतूर के विषय में, संतूर वही व्यक्ति बजा सकता है कि जो गाना भी जानता हो, तबला भी जानता हो। आखिर जीत इनकी हुई, इन्होंने गाना भी सीखा, तबला भी सीखा, अंत में फिर संतूर मुझे सिखाना ही पड़ा। और संतूर से जब इनकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे संतूर में ये जितना गहरे उतरती गई, इन्होंने देश और विदेश में जो अपनी ख्याति अर्जित की है वो एक प्रकार से ये कहना होगा कि वंदनीय होगी, श्लाघनीय होगी, अति सुंदर है। और इनके भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ।
नमस्कार वर्षा जी, आज आपको शख्सियत पे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? जस्टिस अनवर चाचा, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बचपन से मेरी आगे बढ़ने की सब सीढ़ियों को उन्होंने देखा है और उनका और उनके परिवार का आशीर्वाद मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे गुरु पंडित ललित महंत साहब का मैं बहुत दिल से शुक्रिया तो क्या कहूँ, जैसे सूर्य को दीपक दिखाऊंगी वैसा होता है शुक्रिया शब्द। तो चूँकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा बनाया है कि जैसे एक पत्थर का टुकड़ा होता है उसे मूर्ति का रूप देने में जो मेहनत की है, वो महंत दंपति ने जो मेरे साथ मेहनत की है, मैं उनकी सारी ज़िंदगी ऋणी हूँ और वो मैं कभी चुका नहीं पाऊँगी ऐसा मुझे लगता है। पर मैं आज इस मंच से उनका दिल से बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करती हूँ। किशोर भैया किंग ऑफ ट्रम्पेट माने जाते हैं और देश की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मैं इन सभी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, इन लोगों का मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। वर्षा जी, मुझे बताइए कि फिर आपके परफॉर्मेंसेस का दौर कब शुरू होता है? गुरुओं से सीखने के बाद फिर जब पहला परफॉर्मेंस होता है और उसके बाद फिर एक के बाद एक परफॉर्मेंसेस मिलते हैं, तो उनका जिक्र कुछ कीजिए। मेरा पहला परफॉर्मेंस बहुत ही छोटी उम्र में हुआ था, जब हार्डली मैं होंगी 12 साल की, तो मेरा पहला परफॉर्मेंस संतूर का हुआ था, झालावाड़ में ही हुआ था, भवानी नाट्यशाला। वहाँ पर एक लंदन का जैसा ओपेरा हाउस है उस तरह की वहाँ पर भवानी नाट्यशाला है, बहुत सुंदर है। तो वहाँ मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ, वो बहुत सक्सेस रहा, लोगों ने बहुत ही गोद में उठा लिया और सबने कहा अरे भाई ये तो कश्मीर का साज और हमारे यहाँ की लड़की बजा रही है, बहुत ही अद्भुत। ऐसा मेरा पहले परफॉर्मेंस का जिक्र था, उससे मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई। फिर उसके बाद निरंतर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बहुत सारे परफॉर्मेंस हुए, जिसमें आज देश के बहुत बड़े बड़े सभी संगीत समारोह में मैंने बजाया, तानसेन समारोह, हरिदास संगीत सम्मेलन। वहाँ पर लोग बजाते हुए देखते हैं तो पहले तो ऐसे ही हतप्रभ रह जाते हैं, लड़की और संतूर थोड़ा सा उन्हें लगता है, लेकिन जब संतूर सुनते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। और मेरे से इतने लोग मिलने आते हैं परफॉर्मेंस के बाद कि मुझे खुद खुशी होती कि मैंने जो अपना डिसीजन लिया ज़िंदगी का बहुत सही डिसीजन। स्पेशली जो जब मैं सोपोरी बाज की गमक बजाती हूँ तो उसका एक नमूना हम लोग सब सुनना चाहेंगे। जी सर, सोपोरी बाज की गमक आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपके कुछ और अपने हैं वर्षा जी, जिन्होंने आपके बारे में और आपके आज तक के सफ़र को बहुत नज़दीक से देखा, मैं चाहूँगी आप उन्हें भी देखें, आइए देखते हैं। मुझे याद है डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, एक बच्ची मुझे एक कॉन्सर्ट में मिली अपने गुरुजी के साथ, पंडित महंत जी, ललित महंत जी, जो बहुत ही अच्छे तबला वादक और गुणी आर्टिस्टों में से हैं, एक लिटरेरी पर्सन है वो, उनके साथ आके उन्होंने कहा कि मुझे संतूर सीखना है। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, ये तो मर्दाना बाज है और मेरी शैली बड़ी टफ शैली है, बोल तभी मुझे सीखना है इसे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो हमारा सोपोरी बाज है और जो घराने की गायकी है, जो घराने की जो एक सिस्टम है जिसे कहिए तरबियत का, और वहाँ से उसका फिर उस सांचे में वो आ गई, उसके जो टेक्निक्स हैं वो शुरू कर दिया उसने गुरु शिष्य परंपरा में। वर्षा के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतनी डेडिकेटेड थी कि एक बार इनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था और वही टूटी हुई टांग लेकर के यहाँ आई थी और पूरा डेडिकेशन से अपने गुरु, अपनी गुरु माँ और अपने हमारे सारे परिवार से मिलजुल कर इतना प्यार से रहती थी और सीख के जाती थी कि हमें कभी ये गिला ही नहीं रहा कि इसने रियाज नहीं किया। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही डायनेमिक म्यूजिशियन है और मैं भगवान से चाहूँगी कि ये पहली महिला है और हमेशा पहले ही रहेंगी। वर्षा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से चाहता हूँ कि वो जिस लगन से, मेहनत से काम कर रही है, डिवोशन डेडिकेशन से काम कर रही है, वो इसको आगे कंटिन्यू करे और विश्व की एक बहुत बड़ी संतूर वादिका बने। नमस्ते वर्षा,
आज यहाँ राज्यसभा टीवी पर आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बड़े गौरव की बात है कि वर्षा ने इतनी कम उम्र में संगीत की उन ऊंचाइयों को छुआ है, संगीत जगत में अपना नाम किया है, शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में भी इस मुकाम तक पहुंची कि आज वह इतने लंबे समय से उज्जैन में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गायन की प्रोफेसर हैं। मेरी उनके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वर्षा जी को मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूं और निजी स्तर पर भी मैं इनको जानता हूं। ये बहुत ही बेहतरीन संतूर वादिका हैं। मैंने कई बार इनका सुना है, उनके समीक्षा भी लिखी है। सुरों से इनका बड़ा अच्छी दोस्ती है। सुरों का जो ये बारीक ताना बाना बुनती हैं संतूर जैसे जटिल वाद्य पर, जो सौ तारों का वाद्य है उस पर सुरों का जिस तरह से ये ताना बाना बुनती हैं, उसको देख सुनकर ये लगता है कि वर्षा जी शायद सुरों के लिए ही बनी हैं और सुरों के लिए ही जीती हैं। मैं बहुत ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या कहना चाहेंगी वर्षा जी अपने गुरु जी के लिए? मैं अपने गुरु जी पंडित भजन सुपुरी साहब और डॉक्टर अपर्णा सुपुरी जी मेरी गुरु माँ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरु जी को और गुरु माँ को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आपने लोक संगीत में भी तो PhD किया है। जी, मैंने लोक संगीत में PhD किया है, हड़ौती लोक गाथाओं की गायन परंपरा विषय पर किया और उसी हड़ौती क्षेत्र से के बारे में मैंने PhD किया है जिसमें मैं पैदा हुई, जिसकी मिट्टी में मैं पैदा हुई। क्या खासियत है उनमें? वहाँ की लोक गाथाएं बहुत समृद्ध हैं। ऐसी ऐसी लोक गाथाएं कि जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक आंभल खीवरा लोक गाथा है। आंभल एक उसके पात्र और खीवरा एक उसके पात्र हैं। आंभल कहीं की राजकुमारी होती है और खीवरा कहीं का राजकुमार। जब वो एक दूसरे को देखते हैं और उससे जब आकृष्ट होते हैं तो जो आंभल का जो वेट ऐसा माना जाता था कि रोज उन्हें फूलों से तोलते थे, लेकिन जब उन्होंने खीवरा को देखा तो उनका वजन बढ़ गया। ऐसे ऐसे उदाहरण, अद्भुत प्रसंग उस उन लोक गाथाओं में, तो उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया PhD करने के लिए। तो उसका कोई एक रंग मेरी ऑडियंस के लिए? लोक संगीत गणगौर की एक झलक आपके समक्ष प्रस्तुत। आप संतूर बजा रही हैं और नर्वस सिस्टम से इसको काफ़ी जोड़ के देखा जाता है, तो कितनी एनर्जी ये दे सकता है अगर किसी का नर्वस सिस्टम ठीक ना हो और इस वाद्य को सुने वो? तो संतूर एक ऐसा साज है कि इसको सुनने से आपका नर्वस सिस्टम एकदम सही स्मूथ हो जाता है, चाहे कोई कितना बीमार हो, क्योंकि इसके तारों की झनकार में वो सारी वाइब्रेशंस हैं जो हमारे मन की अंतर गहराइयों में घुस कर हमें एक विचित्र लोक में ले जाते हैं। वहाँ पर हमें ऐसा विचरण करते हैं उस लोक में और हमें लगता है कि बस इससे ज़्यादा दुनिया में कुछ नहीं। तो चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी जो आपको बहुत पसंद हो। समीना जी, मुझे एक गीत मेरी ज़िंदगी का सार है, वो बहुत सुनती हूँ उसको और मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है वो, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ऑडियंस भी उसको सुने। आपकी कसम पिक्चर का गाना है। हाँ हाँ। और 1974 में रिलीज़ हुई थी। अच्छा। उसको गाया है किशोर कुमार साहब ने। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से के।
मिलते नहीं, कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते। तो शख्सियत में आज आप तशरीफ लाई वर्षा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार, और आपका भी बहुत। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही, ऐसे ही सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।